हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था, उसमें हमने इसका कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज का सेशन बेस्ड होगा प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि जब भी हम ओरल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं या फिर जब भी हम प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन को और जो भी हमारा ओरल प्रेजेंटेशन और ओरल कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव। वाइल यू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, योर कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव। ओके, तभी आप अपनी जो आपका जो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको आप प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, टू पर्सन्स कम्युनिकेट टू ईच अदर, ओके, शेयरिंग देयर व्यूज इंफॉर्मेशन, देन बोथ ऑफ द पार्टीज हैव टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, जिसको हमने सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई हमें सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करने हैं। जैसे कि आपका मैसेज है, जो भी कम्युनिकेशन है वो कंसाइज होना चाहिए मैसेज। ठीक है, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, कंसिडरेशन आपको फॉलो करना है, कर्टसी होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में जब भी आप कोई भी बातचीत कर रहे हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, कंक्रीटनेस होनी चाहिए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हम ओरल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। चाहे मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से बात करूँ या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के पर्पज से बात करूँ। ठीक है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन ऑल्सो इंक्लूड द टू वेज, इंस्टीट्यूशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं दैट टाइम वी हैव टू, मैनी टाइम वी हैव टू प्रेजेंट द नंबर ऑफ टॉपिक्स, यानी कि प्रेजेंटेशन दैट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, और सेकेंड वन इज वेन यू ज्वाइन एनी प्रोग्राम इन एनी इंस्टीट्यूट दैट टाइम ड्यूरिंग द योर प्रोग्राम मैनी टाइम यू हैव टू डिलीवर सम टॉपिक्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। सो सर्टेन प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलो बाय द प्रेजेंटर। ओके, सो लेट्स कवर दीज प्रिंसिपल्स आर, फर्स्ट वन है फर्स्ट वन इज वेल प्लान, वेल प्लान। ओके, सो बिफोर प्रेजेंटिंग समथिंग देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग रिगार्डिंग द ऑडियंस, रिगार्डिंग द टॉपिक्स टू बी डिलीवर्ड, टाइमिंग एंड अदर फैक्टर्स, सो एज टू पर्सन मस्ट बी वेल प्रिपेयर टू डिलीवर हिज स्पीच। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन वेरी केयरफुली मैनर। During presentation, the personality of the presenter also reflect and the communication skills also judged by the other persons. So you have to well plan your, so you have to prepare yourself as well as prepare your topic and planning regarding your audience and the subject matter. Okay, so first principle is well planning. Second one hai clear pronunciation. Second principle is okay, to make oral messages meaningful to the receivers, words should be clearly and correctly pronounced. जब भी presentation deliver कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी language में presentation deliver कर रहे हो, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए और करेक्टली आपको उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो भी ऑडियंस है उनको एक क्लू देता है इनफॉर्मल होने के लिए, या फिर ये है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी हो सकती है। ठीक है, सो व्हेनेवर यू कम्युनिकेट योर मैसेज
must be clearly speak as well as correctly messages, correctly words you have to pronounce. Okay, so there should not be any lack of clarity, otherwise the communication would be confusing one. Okay, so clear pronunciation must be followed by the presenter. So this one is second principle. Third one is natural voice. Okay, so natural voice, any sort of unnatural voice may distort the messages. So natural voice can do a lot to make a oral communication effective. जो भी आपकी वॉइस है आपको उसी के हिसाब से कम्युनिकेट करना है. ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी वॉइस को चेंज करके कुछ मैसेज डिलीवर कर रहे हो. ठीक है, तो जो भी नेचुरल आपके पास ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स को शो करते हुए आपको क्या है प्रेजेंटेशन डिलीवर करना है. ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन प्रिंसिपल है सुटेबल वर्ड्स. Suitable words. So words have different meaning to different people in the different situations. In oral communication, a speaker should use common, simple, and familiar words so that receiver can react to the messages without any problem. ठीक है, तो suitable और simple words आपको use करने हैं जब भी आप अपने message को prepare कर रहे हो. ठीक है, जो भी subject matter है तो आप क्या करोगे सिंपल और सुटेबल वर्ड्स यूज करोगे जो आपके ऑब्जेक्टिव के कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिट होने चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट फिफ्थ वन प्रिंसिपल इज लॉजिकल सीक्वेंस. सो आइडिया शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ सिक्वेंशियल वे टू मेक द मैसेज कम्युनिकेटिव एंड अट्रैक्टिव. ओके, सो अनऑर्गेनाइज आइडिया डू नॉट प्रोवाइड क्लियर सेंस वाइल अ लॉजिकल सिक्वेंस इज आइडिया गिव द क्लियर सेंस. तो जब भी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो तो आपके प्रेजेंटेशन में जो भी आपने कंटेंट डिसाइड किया है उसका एक सिक्वेंस होना चाहिए कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या है, मिडल पार्ट में क्या है, कंक्लूजन में क्या है, इसी तरीके से. ठीक है, और जितना लॉजिकली सिक्वेंस होगा उतने आपके ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप क्लैरिटी में आपके मैसेज में क्लैरिटी रहेगी और आप और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से अपने आप को या मैसेज को डिलीवर कर सकते हो. ठीक है, सो दिस वन इज फिफ्थ प्रिंसिपल दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस. सिक्स वन इज ब्रेविटी. इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिजायर दैट अ मैसेज शुड बी ब्रीफ. मैसेज क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए. इफ द सेंडर टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर टॉकिंग हिज मैसेज मे नॉट गेट द अटेंशन टू द रिसीवर्स. ठीक है, जब भी कोई भी मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें आपने प्रेजेंटेशन को सिक्वेंस वाइज अरेंज करा अलग अलग पार्ट्स में. ठीक है, अब जो भी आपके प्रेजेंटेशन के स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में आपको क्या करना है, प्रिसाइज मैसेज, कंसाइज मैसेज आपको डिलीवर करना है. जैसे कि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रीफ होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है ब्रीफ मैसेज यू हैव टू इंक्लूड एंड डिलीवर इन द फ्रंट ऑफ द ऑडियंस सो दैट यू कैन क्रिएट अ मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑडियंस एंड अचीव द योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेविटी में. इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिजायर दैट अ मैसेज शुड बी ब्रीफ. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज कर्टियस. कर्टिसी जिसको बोलते हैं. सो कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट कैन अर्न मैनी थिंग. एक कोटेशन भी है ये, विद द हेल्प ऑफ कर्टसी यू कैन बाय एनी थिंग. ठीक है, सो कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट अर्न मैनी थिंग. सो अ स्पीकर शुड बी कर्टियस वाइल एड्रेसिंग लिसनर्स. जब भी हम किसी भी प्रेजेंटेशन या किसी भी कम्युनिकेशन की बात करें तो आपके कम्युनिकेशन में ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन कर्टसी होनी चाहिए. अ पोलाइट मैनर यू हैव टू फॉलो वाइल यू इंस्ट्रक्टिंग ऑर्डरिंग गिविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस.
ओके सो इट हेल्प क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द लिसनर्स रिगार्डिंग द स्पीकर्स. ओके सेवेंथ वन, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है अवॉइडिंग इमोशंस. सो स्पीकर मस्ट कंट्रोल हिज इमोशंस टू मेक ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव. टू मच इमोशन विल टेक द स्पीकर अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट. ठीक है, तो जब भी हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ अब जो भी हमारे जो पर्सनल इमोशंस हैं इनको हमें साइड पे रखना है. फॉर्मली यू हैव टू बिहेव ओके सो दैट यू कैन प्रूव योर सेल्फ बेटर एज वेल एज द इजिली यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रेजेंटेशन. ओके सो फॉर्मल वे यू हैव टू फॉलो. ओके सो दीज आर मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन. सो दिस टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट. फैक्टर्स सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन. So if you have any problem, then you can again discuss. These are the main important principles of oral presentation. Well planned, clear pronunciation, so well planned, clear pronunciation, natural voice, suitable words, logical sequence, brevity, courtesy, or avoiding emotions. Okay, student, thank you very much.